सीतामढ़ी सुरसन थाना क्षेत्र के मकनोहिया गांव में सशस्त्र अपराध कर्मियों ने सेवानिवृत्त शिक्षक के घर में घुसकर चाकू की नोक पर वृद्ध शिक्षक को बंधक बनाकर 6 लाख से अधिक की सोने चांदी के जेवरात सहित नकदी की लूट की घटना को अंजाम देकर इलाके में दहशत फैला दिया है। जानकारी अनुसार बुधवार की देर रात एक दर्जन से अधिक डकैतों ने पहले घर में प्रवेश किया, इसके बाद ट्रंक और अलमीरा को तोड़ने लगा, जिसकी आवाज सुनकर सेवानिवृत्त शिक्षक 80 वर्षीय कालिकांत झा जब गेट खोलकर बाहर निकले तो अचानक उसे अपराध कर्मियों ने बंधक बना लिया। जब उसने विरोध किया तो अपराधियों ने चाकू से प्रहार कर बुरी तरह से जख्मी कर दिया। तब जाकर अपराधियों ने ट्रंक और अलमारी में रखे सोना चांदी और कीमती सामग्री सहित 6 लाख से अधिक की संपत्ति लूट ली और चलते बने। घटना के बाद सुबह में जब ग्रामीणों को इस घटना की जानकारी मिली तो मौके पर सैकड़ों लोगों की भीड़ जुट गई। घटना के सूचना पर स्थानीय मुखिया रविशंकर कुमार मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिए और स्थानीय पुलिस को सूचना भी दिया गया। सूचना मिलने के बाद सर्किल इंस्पेक्टर एस अरशद नुमान, थाना अध्यक्ष धनंजय कुमार पांडे, दरोगा राजेश कुमार शाह सहित दर्जनों पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर जख्मी गृह स्वामी से पूछताछ की और ग्रामीणों के सहयोग से जख्मी वृद्ध शिक्षक को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। इलाज के पश्चात में थाने में आवेदन देकर अज्ञात अपराध कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराकर जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है। इस दौरान घटना को लेकर DSP अतनु दत्ता ने बताया कि घटना की छानबीन की जा रही है और अपराधियों को गिरफ्तारी को लेकर लगातार विभिन्न जगहों पर पुलिस के द्वारा छापेमारी की जा रही है। जल्द ही अपराधी सलाखों के पीछे होंगे मालूम हो कि सेवानिवृत्त शिक्षक के 3 पुत्र है, एक डॉक्टर भोगेश चंद्र झा तो दूसरा डॉक्टर मनीष चंद्र झा, वही तीसरे पुत्र प्रभात चंद्र झा है जो अपनी ड्यूटी को लेकर घर पर नहीं थे, जिसका फायदा अपराध कर्मियों ने उठाकर इस लूट की घटना को अंजाम दिया है। मकुनैया में एक कालिकांत झा जी हैं, वो 80 वर्ष के करीब हैं, वो घर पे अकेले थे। रात को 3 अपराध कर्मी घर के ग्रिल का ताला तोड़कर घर में घुसकर उनको लपड़ थप्पड़ से इत्यादि से मारपीट करके जख्मी किए और घर में रखे हुए कुछ गहने 10-12 हज़ार रुपया और कुछ कपड़ा लेकर चले गए हैं। अच्छा, उसका हम लोग घटनास्थल का निरीक्षण किए हैं, सारी तकनीकी साक्ष्य एकत्र की जा रही है, शीघ्र ही कांड का उद्भेदन कर ली जाएगी। किसी की पहचान नहीं होती है, वो पूरा अज्ञात केस है, लेकिन अपराधी को हम लोग शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। कितने का मान ले गए हैं सारा एग्जैक्ट अभी राशि तो नहीं बता पा रहे हैं, कुछ गहना है और महिला के 2-3 सोना का छोटे छोटा गहना है। थाना से कितनी दूरी पर है? थाना से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। फोन आया कि मकनैया से कि जैसे घटना हो गया कालिकांत झा के घर में, तो हम कहे कि भाई घटना हुआ था अभी रात में हुआ, अभी बता रहे हैं, तो बोले कि बूढ़े आदमी थे, उनको तो बांध के रख दिया था, सुबह में हम लोग को तो अभी 8 बजे 9 बजे पता चला है, तो आपको हम बता रहे हैं। उस आदमी को रात में ही 12-1 बजे घटना है बता रहे हैं।